अ वेरी वेलकम टू न्यूज़ टीवी 99। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ टीवी 99। आज 19 जून 2018 को आसिफ नगर में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग की। ये चेकिंग खासकर लाइसेंस और माइनर लड़कों को ड्राइविंग करने पर रोकथाम के लिए की गई थी। बताया जाता है कि ये माइनर लड़के गाड़ियां चला रहे थे, इन पर एक्शन लिया और कई गाड़ियों के अपराध के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए और साथ ही साथ इनका चालान भी चेक किया गया। हम हर पेरेंट्स को बार बार यही कह रहे हैं कि अपने कम उम्र के नौनिहालों को बाइक चलाने ना दें, और अगर इनका बाइक चलाने की वजह से कुछ भी ही नुकसान हो सकता है तो इनकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही होंगे। छोटे बच्चे गाड़ियां चलाने की वजह से इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, या उनका नुकसान भी हो सकता है, या उनकी वजह से किसी दूसरों का भी एक्सीडेंट हो सकता है, या उनका भी नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस बार बार हर वो पेरेंट्स को ताकीद कर रही है कि अपने कम उम्र के बच्चों को बाइक चलाने ना दे, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि पुलिस को कोऑपरेट करे और इनका भरपूर साथ दे। आप अपने बच्चों को रोकने के बजाय इनको गाड़ियां देते हैं, इनको बिना लाइसेंस के गाड़ियां चलाने की इजाज़त देते हैं, तो इनसे कुछ भी हादसा पेश आ सकता है, इसमें किसी का नुकसान भी हो सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप बन सकते हैं। आपके बच्चे छोटे हैं, इनको समझ नहीं होती है किसी कैसी तरीके से गाड़ी ड्राइव करते हैं या किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। ये बेतरकीब गाड़ियां चलाते हैं या तेज़ रफ्तार से बिना लाइसेंस के दूर दूर तक जाते हैं, इससे कुछ भी नुकसान हो सकता है। इनके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स हो सकते हैं। हम हर वो पेरेंट्स से यही कहते हैं कि आप अपने नौनिहालों को भले ही शौक़ से गाड़ी चलाने की इजाज़त दें, लेकिन ये इजाज़त सिर्फ और सिर्फ आप इन्हें समझदार होने के बाद में ही दें, और इनका सबसे पहले लाइसेंस बनाएं ताकि कोई भी नुकसान इनको ना हो और आईन की वजह से आपको भी कोई भी दुश्वारी और का सामना ना करना पड़े। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए कोई और चैनल नहीं, आपका अपना चैनल न्यूज़ टीवी 99। बाबूराव साहब के इंस्ट्रक्शंस में हम लोग आसिफ नगर ट्रैफिक पीएस के अंडर में ये बच्चे जो माइनर बच्चे गाड़ियाँ चल रहे हैं, स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के माइनर बच्चों में गाड़ी चला रहे बोलते हम मल्लेपल्ली में प्रोड्यूस करा। ये चेकिंग में हमारा एस एस एंड अदर स्टाफ चेकिंग करे, पूरा अभी तक 15 माइनर गाड़ियाँ पकड़े। ये माइनर बच्चों को लाइसेंस नहीं है, वो एज भी नहीं है, गाड़ी चला रहे, तो गाड़ियाँ हम डिटेल कर रहे, उन लोग के ऊपर केस बुक कर रहे, तो इसके बाद वो लोग का पेरेंट्स भी बुला के वो लोग भी केस इन काउंसलिंग करके जो गाड़ी का ओनर है उसके ऊपर भी केस लगा दो। ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। कहीं बोले तो ये स्कूल्स कॉलेजेस रीओपन हो गए, बच्चे अभी क्या बोलते हैं वो लोग गाड़ी ड्राइव करने के लिए शौक है, ये लोग बगैर इंटीमेशन ऑफ द पेरेंट्स एंड इंटीमेशन ऑफ द पेरेंट्स भी बाहर आ रहे, तो एक्सीडेंट्स नहीं होना बोल के ये हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो पूरा पेरेंट्स के एंड स्टूडेंट्स को जो भी है गाड़ी चलना बोले तो 18 साल होने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस ले लेके गाड़ी चलना है, अदरवाइज बुक ए केस अगेंस्ट माइनर ड्राइवर एंड पे ओनर ऑफ द व्हीकल। सर माइनर में अगर कितने बार पकड़े तो उसको माइनर बच्चे को जेल होने वाली है? अब ऐसा नहीं बोल सकते, वो पूरा डिसीजन पावर मजिस्ट्रेट साहब के पास रहता, मजिस्ट्रेट साहब जैसा एक्शन लेंगे उसको हिसाब से केस चलता है। यानी कि एक से दो बार अगर पकड़े गए तो वो चालन और ज़्यादा पड़ता है, चार्जशीट बढ़ती है, और हम तो इन्वॉल्वमेंट दो बार है बोल के हम चार्जशीट में लिखते हैं, बट डिसीजन पावर दोस्तों। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज, लड़कियों की तालीम का मियारी मरकज, जहाँ बहुत ही उमदा माहौल में तालीम दी जाती है। हाईली ट्रेन्ड फैकल्टी की जेर निगरानी सीईसी, एमईसी, एमपीसी, बाईपीसी कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। मुकम्मल अंग्रेजी माहौल और तालीम के अलावा एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की सहूलत के साथ मुसलसिल 4 साल से लगातार 100% कामयाब नतायज, दाखिले जारी हैं। आज ही तशरीफ लाइए अपने लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपका अपना इदारा खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज। मजीद तफसीलात के लिए DRDL रोड बाबा नगर और तारबंद रोड नज अनस मॉडल हाई स्कूल।